करना ये चाह रहे हैं कि हमने इसके से कंट्रोल्स ख़त्म करना है। कैसे कंट्रोल? ये जो आ रहा है ना नीचे प्ले का बटन, ये तो नहीं आता ओरिजिनल वेबसाइट में, तो ये अच्छा हमें ख़त्म करना होता है। सर, ऑटो सेव का भी मैंने लगाया था लेकिन नहीं हुआ ये। हाँ नहीं, यहाँ पे कंट्रोल्स एक आ रहा होगा, ये एट्रीब्यूट के अंदर आ गया कंट्रोल्स। अच्छा, कंट्रोल इफ एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट ब्राउजर विल अलाउ यूजर टू कंट्रोल द प्लेबैक दिस दिस दिस। कंट्रोल हाइट कैसे होगा? HTML वीडियो एलिमेंट कंट्रोल्स हाइट, पता नहीं डॉक्यूमेंट्स में तो वो वैल्यू नहीं बता रहे कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, तो हमने ज़रा वैसे ही लिख लिया कि कम्प्लीटली हाइट कंट्रोल्स का क्या तरीका है। ये किसी ने सवाल पूछा हुआ है कि जी ये मेरा वीडियो का टैग है और मैंने इसको कम्प्लीटली हाइट करना है, हाइट नहीं हो रहा, स्टैक ओवरफ्लो है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, आप सब लोग इसके ऊपर अकाउंट भी बना लें और यहाँ पर सवाल जवाब करने की मदद डालें थोड़ी थोड़ी। स्टैक ओवरफ्लो, अच्छा किसी ने जो है ना ये सजेस्ट किया, किसी ने ये सजेस्ट किया हुआ कि आप वैसे ही लिख दें तो वो कंट्रोल शो नहीं करेगा, और किसी ने जो है वो CSS का कोई तरीका बताया हुआ। ठीक है, पॉइंटर इवेंट्स नन। अच्छा जो जिस पे ग्रीन टिक लगा हुआ है ना, ये कौन सा होता है कि जिस बंदे ने खुद ये पूछा है सवाल उसने बोला है कि ये सही है। अच्छा कंट्रोल इज अ बूलियन एट्रीब्यूट। अच्छा कंट्रोल के अगेंस्ट में या तो ट्रू दे सकता हूँ या तो फॉल्स दे सकता हूँ, तो ये इन्होंने यहाँ पे टिक लगा दिया। इस ग्रीन टिक का मतलब होता है कि जिसने सवाल पूछा था उसने बोला ये जवाब सही है, उसको हेल्प आउट इस जवाब से मिला, तो हम आगे क्या करते हैं अपने पास भी ये वाला ट्राई करते हैं। हमने कंट्रोल्स को नन नहीं करना बल्कि फॉल्स करना है, लेकिन फॉल्स करने के बावजूद हमारे पास कंट्रोल स्टिल शो हो रहा है इसके अंदर। अच्छा दूसरी चीज़ हमारे पास ये है, चलो इसको तो कुछ ना कुछ करेंगे, पता लग गया कि किस तरह होता है तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे इसका। दूसरा ये सीन है कि ये खुद से प्ले नहीं होता, ऑटो प्ले खुद से नहीं होता, ये इसको प्ले का बटन दबाओ तो प्ले होता है, ओरिजिनल वेबसाइट में इस तरह नहीं होता। इसका चक्कर ये है कि आपको ना इसके ऊपर लगाना होता है एक एट्रीब्यूट दैट इज़ कॉल्ड ऑटो प्ले। ठीक है, हाँ अच्छा ऑटो प्ले आपने लगाया हुआ है। अच्छा लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि ये वीडियो जो है वो म्यूट नहीं है, सही है, वीडियो में बावजूद इसके कि इस वीडियो में कोई साउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको म्यूट करना पड़ेगा, तो आपको म्यूट का भी एक एट्रीब्यूट लगाना होगा। यहाँ पे आकर देख लेते हैं MDN में कि म्यूट का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है। सही है, म्यूटेड, ये भी बूलियन एट्रीब्यूट है, तो इसके अगेंस्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। तो म्यूटेड को जब मैं ट्रू करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली फिर ऑटो प्ले इसका काम करने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑटो प्ले इस तरह तो नहीं होगा, म्यूटेड भी कर दिया मैंने, अब वो तो जाहिर है पेज लोड के रीलोड के ऊपर होता है। अच्छा ये गूगल क्रोम के अंदर और मेजर ब्राउजर्स ने ना ये स्टैंडर्ड बना लिया है कि जो वीडियो होगी ना जिसमें अगर सामने से साउंड होगा उस वीडियो में तो उसको वो ऑटो प्ले नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये अनॉइंग है कि जी गूगल सर्च पे मैंने एक वेबसाइट सर्च की, गूगल सर्च पे जो रिजल्ट आता है उस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आमतौर पर तीन चार वेबसाइट एक साथ भी खोल देते हैं ना अलग अलग टैब में, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कार, अब कार के अगेंस्ट जो जो वेबसाइट आती है ना, तो मैंने यार इसको भी खोल दिया, मैंने कहा इसको भी खोल दो और मैंने कहा इसको भी खोल दो, अब तीनों को एक एक करके मैं इस तरह देखता हूँ ना, ये तीनों को मैंने खोल दिया, एक नहीं खोल रहा तो मैं दूसरे पे चला जाता हूँ वरना मैं तीसरे पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आती ही कोई वीडियो चलने लग जाए जिसमें से साउंड भी हो तो वो काफ़ी अनॉइंग हो सकता है और सम टाइम बैड एक्सपीरियंस का सबब बन सकता है वो, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया गूगल क्रोम वालों ने, इन्होंने बोला कि भाई ऑटो प्ले जब ही होगी ये वीडियो जब आप क्या करोगे उसको, आप म्यूट उसको रखोगे बाय डिफ़ॉल्ट, तो जब तक आप म्यूटेड नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑटो प्ले नॉट वर्किंग HTML वीडियो टैग मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे जो है ना ये देखें इन्होंने पहली लाइन में जवाब दे दिया कि सम मॉडर्न ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम विल नॉट ऑटो प्ले योर वीडियो इफ इट इज़ नॉट म्यूटेड। ठीक है, तो म्यूट का भी एट्रीब्यूट साथ लगाना पड़ेगा जब होगा जाके। ठीक है, और अगर हम स्लैक की वेबसाइट पे चले जाएं तो उनको हम ज़रा देखते हैं उन्होंने वीडियो को हाइड कैसे किया हुआ है तो ये वीडियो अल्टीमेटली। ठीक है, लेकिन इस पर कंट्रोल्स बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, ये वीडियो का टैग आ गया,
अच्छा आप देखें यहाँ पे लूप म्यूटेड और प्लेज इन लाइन करके भी एक चीज़ लगाई हुई है इन्होंने, इन्होंने कंट्रोल्स का जिक्र नहीं किया यहाँ पे भाई साहब। अच्छा इस पे CSS क्या लगाई है इन्होंने ये भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे से आके देख सकते हैं ठीक है। इस जगह पे जो भी CSS इसमें लगी हुई है वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही होती है। मैक्स विड्थ 700 लगाई हुई है ठीक है, मैक्स हाइट लगाई हुई है इसके ऊपर, हाइट ऑटो लगाई हुई है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाया हुआ है, इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज़ पर नहीं लगाई हुई कंट्रोल को हाइड करने वाली, लेकिन स्टिल यहाँ पर कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा है ठीक है। मे बी बिकॉज शायद मैं उसको यहाँ से वेबसाइट से डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ ना, तो मे बी शायद इसलिए उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। तो मैं काम करता हूँ हमारा जो लास्ट वाला जो क्लास का कोड था ना उसको ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर एक अलग से वीडियो लगा कर देख लेता हूँ ठीक है। मैं चला जाता हूँ जी हमारे सेक्शन बी में, ये कोई दूसरा सेक्शन भी खोल लिया मैंने। ठीक है जी, तो मेरा ये पेज जो था इसमें पेज में इस वक्त क्या था ज़रा वो देख लेते हैं। कॉपी पास मेरे पेज में इस वक्त ये है, तो मैं क्या करता हूँ एक वीडियो का टैग यहाँ पे फ़िलहाल के लिए लगा लेता हूँ छोटा सा, और प्लस साथ में क्या करता हूँ नैव बार के फ़ौरन बाद मैं एक वीडियो का टैग लगा लेता हूँ। और वीडियो कहाँ से मैं ले लेता हूँ, जो इनकी वेबसाइट है इसी में से ले लेता हूँ। कहाँ चली गई अभी तो खोली मैंने ठीक है। राइट क्लिक करके मैंने कहा कि ओपन वीडियो इन न्यू टैब, ये ओपन वीडियो न्यू टैब में आ गई, उसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लिया और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स में जाके सेव हो जाता है मेरे पास ठीक है। इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, मैं वापस यहाँ पर आता हूँ मैं, और जो डाउनलोड्स का मेरा टैब है डाउनलोड्स के टैब में जाकर मैं इस वीडियो को यहाँ से उठाकर अपने फोल्डर में लेकर आ जाता हूँ ठीक है। और इसका मैं नाम रख देता हूँ कि जी intro.mp4, ताकि नाम आसान हो जाए, मुझे नाम लिखने में आसानी हो, इस वजह से मैंने कहा .slash intro.mp4 ठीक है। साथ में म्यूटेड और साथ में ऑटो प्ले सही है, और साथ में लूप क्या ताकि ख़त्म हो तो फिर शुरू खुद ही हो जाए ठीक है, ऐसा ना हो कि ख़त्म होकर वहाँ पर रुका ना रहे ठीक है। और यहाँ पे आके जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखें ये ऑटोमेटिकली प्ले हुआ है। अच्छा कंट्रोल मेरे पास नहीं आ रहा है, कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट ही नहीं आ रहा ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको म्यूट ना करूँ, अच्छा मेरे पास तो बाय डिफ़ॉल्ट ही नहीं आ रहा कंट्रोल, सही है कंट्रोल्स ट्रू करूँगा तो आएगा, लेकिन लिहाजा हुआ ये है कि म्यूटेड हटाने की वजह से ये प्ले नहीं कर पा रहा मैं इसको, किसी भी तरह प्ले नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको ठीक है। तो म्यूटेड मैं वापस लगा देता हूँ इस पर। कंट्रोल्स जब तक मैं कंट्रोल्स यहाँ पे लिखूँगा नहीं जब तक कंट्रोल्स नहीं आएगा, लिखा मैंने तो आ गया कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल आने के बाद भी ऑटो प्ले ये हो रहा है, कंट्रोल से उसका ताल्लुक नहीं है। ऑटो प्ले कंट्रोल हो या ना हो, ऑटो प्ले और लूप मैंने लगा दिया तो ये चलेगा मेरे पास, ये रिफ़्रेश किया मैंने चलना शुरू हो गया। अब स्टिल मैं इसको जो अलाइन वगैरह करूँगा वो एक अलग सी चीज़ है कि जी मैंने एक्चुअली क्या करना है, मैंने एक्चुअली ये करना है कि यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा कि बैनर के नाम से एक बना दूँगा डिव राइट, और मैं कह दूँगा क्लास बैनर लगा दिया जिसमें एक तरफ वीडियो हो गई मेरे पास और एक तरफ मुझे क्या चाहिए मिसाल के तौर पे एक H1, फ़िलहाल एक H1 नहीं बल्कि पूरा डिव होगा ये एक ठीक है, पूरा डिव होगा ठीक है, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ कि यार बैनर टेक्स्ट ठीक है। मेरे पास एक ये डब्बा होगा, एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक डब्बा हो यहाँ पे जिसमें एक साइड पे वीडियो और दूसरी साइड पे एक डिव, मैं इस तरह से अभी फ़िलहाल करना चाह रहा हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे आके क्या बोल देता हूँ इसको CSS की फ़ाइल में, मैं कह देता हूँ कि यार बैनर जो है ना आपका .banner जो है ना ये क्या कर दो इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो ठीक है। बैनर को मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, और बैनर को मैं क्या बोलता हूँ कि यार आपका जो जस्टिफाई कंटेंट है वो क्या हो जाए स्पेस बिटवीन हो जाए या स्पेस अराउंड हो जाए एक्चुअली ठीक है। तो हम यहाँ पे आके देखते हैं तो हमारे पास ये एक्चुअली स्पेस अराउंड हो चुका है, लेकिन हमारा जो ये बॉक्स है यहाँ पे जो मौजूद है डिव वो इतना छोटा है कि वो नज़र नहीं आ रहा ठीक है, वो बिल्कुल बारीक सा और पतला सा यहाँ पे ना वो नज़र आ रहा होगा
अगर मैं यहाँ पे ऐसे चेक करूँ इसको, तो आप देखें यहाँ पे एक फ्लेक्स बॉक्स हो चुका है ये, लेकिन इसके राइट साइड पे एक बारीक सी एक लकीर नज़र आ रही है यहाँ पे इस जगह पे। तो ये लकीर जो बारीक सी है ना, ये हमारा डिव है, क्योंकि उस डिव में कोई कॉन्टेंट नहीं है, तो या तो मैं उसको विथ हाइट दूँ मैनुअली। तो मैं क्या करता हूँ कि इस डिव के अंदर आके कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। इस डिव के अंदर मुझे तीन चार बातें लिखनी है, एक तो एक H1 लिखना है। H1 में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेड फॉर पीपल बिल्ड फॉर प्रोडक्टिविटी। ये मैं दो बातें मैं भी लिख देता हूँ अपने पास। सही है जी। अच्छा जी, ये हमने लिख दिया इसके ऊपर। अब वापस आके जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो क्योंकि लेफ्ट साइड पर भी कुछ चीज़ मौजूद है, तो इसकी वजह से अब क्या हो रहा है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मेरे पास छोटा सा आ गया, आई एम नॉट श्योर वाई हॉरिजॉन्टल। हाँ अच्छा, क्यों बिल्कुल आएगा, क्योंकि वीडियो को मैंने विड्थ डिफाइन नहीं की है उसकी, तो वीडियो की जो विड्थ एक्चुअली वो मेरे स्क्रीन से भी ज़्यादा पड़ी है, तो इसलिए क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली वो मेरी स्क्रीन से बाहर जा रहा है। तो वीडियो को मुझे ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, एक अदद वो देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि डॉट बैनर, बैनर के अंदर जो वीडियो है उसको क्या दे दो आप, उसको मैक्स विड्थ आप दे दो मिसाल के तौर पे 600 पिक्सल। ठीक है, इससे ज़्यादा वो बड़ी ना हो वीडियो, इससे कम हो जाए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम विड्थ पे ये इस जगह पर आ गई। अब मैं ऑब्वियसली अपने आराम से इस टेक्स्ट को ऊपर नीचे या आगे पीछे करके इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, मोर और लेस ये उसी तरह की कोई चीज़ बनना शुरू हो गई जो स्लैक हमने बनाया होता। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो का आपको टैग लगा के दिखा दिया, और उस पर कंट्रोल्स हिडन है बाई डिफ़ॉल्ट, और वो ऑटो प्ले भी हो रहा है। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम आप लोगों के असाइनमेंट्स को चेक करने के लिए। अच्छा जी, दूसरा आपके पास ना ये बटन मिस अलाइन हो रहा है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये मिस अलाइन क्यों हो रहा है। ठीक है, सब लोग इसको देखें गौर से कि ये, ओहो ये अच्छा चक्कर पता है क्या है ये, आपने किसी चीज़ पे VH भी लगाया हुआ है एक। ये आपका पेज जब यहाँ ये ऊपर जाता है, जब आपका पेज जब ऊपर जाता है, तो ये डिस्टेंस कम क्यों हो जाता है इसका ऊपर जाने से। आपने किसी चीज़ के ऊपर ना VH लगाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल हाइट, तो VH लगाने की वजह से क्या हो रहा है ये। VH वैसे हम लगाते हैं, लेकिन ये आ गया ना, आपने जो सेक्शन है इसके ऊपर लगाया हुआ है 100 VH। अभी 100 VH लगाना क्यों आपको टेंशन दे रहा है, वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि जब ये ऐसे मेरी वेबसाइट खुली हुई थी ना, तो 100 VH इतना आ रहा था। वैसे तो देखो वेबसाइट स्क्रॉलेबल होती है, वेबसाइट की विड्थ तो मतलब अगर 1000 पिक्सल भी स्क्रीन की अगर हाइट है, तो मेरी वेबसाइट 10,000 पिक्सल की हो सकती है। नहीं, 10 दफ़ा वो पेज पूरा ऐसे पूरा एक पेज स्क्रॉल करूँगा, फिर पूरा एक पेज तो 10 दफ़ा स्क्रॉल करूँगा तो वेबसाइट ख़त्म होगी। लेकिन जब मैं इसको करता हूँ ना, यूँ ऐसे करता हूँ जब मैं, तो मेरी जो वर्टिकल हाइट है ना VH है, वो कम हो जाती है। तो अब ये वर्टिकल हाइट मेरी काइंड ऑफ 500 पिक्सल रह गई है। ठीक है, तो अब जो चीज़ यहाँ पे 100 VH में जो चीज़ पहले मिलती थी ना 1000 पिक्सल, अब वो मिल रही है 500 पिक्सल। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम है, तो लिहाजा इसके ऊपर से मैं क्या करूँगा, 100 VH को हटा दूँगा। ठीक है, अच्छा 100 VH को हटाने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, 100 VH को हटाने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसके ऊपर। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है कि ये जो पैलेट, ये वाला जो बॉर्डर था जो नीचे लगा हुआ था, इस ये ज़रा इसका फासला ज़्यादा था, अब कम हो गया है। ठीक है, कुछ चीज़ों का फासला ज़्यादा था, वो ज़रा कम हो गया है। तो जहाँ पे भी आपने फासला देना है, मिसाल के तौर पर येलो वाले को आपने फासला देना है, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, आप मार्जिन लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये सेक्शन के फौरन बाद है, या सेक्शन में आकर मैं क्या लगा सकता हूँ, मार्जिन बॉटम। सही है, तो सिर्फ बॉटम पे ही अप्लाई होगा। मैंने कहा कि भाई 5 REM, तो ये फासला बढ़ गया। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं, या आप अगर अगर इस वाले को पैडिंग भी दे सकते हैं, तो येलो वाला पार्ट ज़रा सा बढ़ जाएगा वो, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ूँ
और ये सेक्शन है मेरे पास, तो इस सेक्शन को अगर मैं क्या दे सकता हूँ, पैडिंग टॉप दे सकता हूँ मैं, तो वो टॉप में थोड़ी सी पैडिंग ले लेगा क्योंकि भी टॉप में वो बहुत ज़्यादा अपने एज के साथ ना चपका हुआ है। तो मैं यहाँ पे आके क्या बोल सकता हूँ इसको कि भाई पैडिंग नहीं बल्कि पैडिंग टॉप, सही है, पैडिंग टॉप। और मैंने कहा कि जी 2 RM, तो ये थोड़ा इसने बढ़ा लिया, 1 RM भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है 1 RM कर दिया मैंने उसको। ठीक है जी, अभी भी वही है लेकिन अभी थोड़ा सा क्या हो गया, ये वो वर्टिकल हाइट वाला इशू हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, और वैसे आपने क्या अचीव करने की कोशिश की थी VH से, क्योंकि मुझे कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा इसमें, कुछ चेंज हुआ है VH हटाने से? नहीं, वो आपने इस तरह वर्टिकल हाइट को चेंज नहीं किया होगा ना, ये वर्टिकल हाइट है, वैसे चेंज करेंगे तो मसला कर जाएगा। लिहाजा होगा क्या कि जब वो मोबाइल फ़ोन पे अगर खुलेगा लैंडस्केप में तो मसला करेगा। तो अच्छा, हम ये देख रहे थे कि मिस अलाइन क्यों हुआ है, सही है, सब लोग ज़रा गौर से देखें, ये सब लोगों के काम की चीज़ है। अच्छा, ये आ गया जी मेरे पास सेक्शन, सेक्शन के अंदर आ गया ये पार्ट, और इस पार्ट के अंदर आ गई वीडियो। अच्छा, और इस पार्ट के अंदर जो है मेरे पास H1 पैराग्राफ और ये बटन आ गया। अच्छा, अब जब ये बटन और ये बटन जब दोनों पर सेम CSS लगी हुई है, तो ये ऊपर नीचे क्यों है? अच्छा नहीं, सेम CSS नहीं है, अलग अलग क्लास है, बटन है और बटन 1 है, सही है। तो हम देख लेते हैं इनके CSS में क्या डिफरेंस है, एक की विड्थ और एक की हाइट, ये हो गई। अच्छा, हमेशा याद रखें कि जो किसी भी चीज़ की विड्थ होती है ना, जो चौड़ाई होती है, उसमें बॉर्डर भी उसका शामिल होता है। अगर मिसाल के तौर पे इसकी विड्थ है 234 पिक्सल, और 234 पिक्सल पे चारों साइड पे 4-4 पिक्सल का बॉर्डर भी है, तो एक्चुअली इसकी विड्थ कितनी हो गई, 238 पिक्सल हो गई। ठीक है, क्योंकि सॉरी 8 नहीं, 4 इधर और 4 इधर, हाँ सही है, 8 पिक्सल हो गई। ठीक है, तो 234 था, अब ये 238 हो गया इसकी विड्थ, क्योंकि लेफ्ट पे 4 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो गया और राइट पे 4 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो गया। ठीक है, तो इसका टोटल जो है वो 238 हम विड्थ कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हाइट इसकी 78 है, लेकिन 78 में टॉप पे 4 और नीचे 4 आप ऐड करोगे इसके, तो 78 + 482 इस वक्त इसकी हाइट है। अच्छा, इस वाले की हाइट जो है वो क्या है, वो भी सेम है, विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम है इसकी, फिर ये क्यों आगे पीछे भाग रहा है? इस वाले के ऊपर कुछ मार्जिन भी लगा हुआ है शायद, कंप्यूटर पे जाऊंगा मैं। अच्छा, 1 पिक्सल की पैडिंग है इसके ऊपर, और जो कि इसके ऊपर भी 1 पिक्सल की पैडिंग है, मार्जिन भी सेम है, ये भी सेम है। अच्छा, आई थिंक इसके अंदर टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, मे बी इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, टेक्स्ट कम किया तो बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ ज़्यादा, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, तो इसके लिए हम ये करते हैं सम टाइम कि हम इसकी ना विड्थ हटा देते हैं, जितनी विड्थ उसने लेनी होती है उतनी वो ले लेता है, या हम ये करते हैं कि विड्थ को इतना ज़्यादा कर देते हैं कि एटलीस्ट वो उसको कंटेन कर सके। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, और इन दोनों की जो जो इन दोनों का जो टेक्स्ट का साइज़ है, एक तो मैं उसको चेंज करता हूँ, दूसरा ये इनकी विड्थ हटा देता हूँ मैं। ठीक है, विड्थ मैंने इसकी हटा दी। अच्छा, विड्थ हटाने से क्या होगा कि दोनों का जो जो विड्थ है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एक बटन थोड़ा सा भी बड़ा नज़र आ रहा है, एक बटन थोड़ा सा भी छोटा नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है ईमेल और जीमेल, ईमेल की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी छोटी है विड्थ में, और जो गूगल है उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि अभी इसकी जो है ना विड्थ इस वक्त क्या है, अभी इसकी विड्थ ये 234.76 अभी विड्थ बता रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी विड्थ को 234 से बढ़ा के 245 कर दूंगा मैं, मे बी। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, दोबारा विड्थ लगाता हूँ और 245 कर देता हूँ। ठीक है, 245 कर दिया मैंने। अच्छा, ऊपर वाली की भी विड्थ को मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि सेम रखना है मैंने, तो इसको भी मैं 245 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये काइंड ऑफ बराबर हो गया, जो पहले ये मेसा लाइन हुआ हुआ था, अब ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अच्छा, ये वाला भी वैसे मिस अलाइन तो नहीं है, लेकिन फील ऐसा हो रहा है कि मिस अलाइन है, क्योंकि इसके ऊपर जो बॉर्डर लगा हुआ है वो क्या है, ब्लैक बॉर्डर लगा हुआ है, इसकी वजह से एक बटन थोड़ा छोटा और एक बटन थोड़ा बड़ा लग रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ बिल्कुल ज़बरदस्त है, बेहतरीन है।
अच्छा यहाँ पे जो स्लैक का जो लोगो है ये बहुत ज़्यादा दीवार के साथ क्या हो रहा है, चिपक रहा है। तो इसके लिए भी हमने लास्ट देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको मैं जाके चेक करूँ, इंस्पेक्शन करूँ इसकी मैं, तो मेरे पास ये हेडर है और हेडर के अंदर एक लेफ़्ट वाला पार्ट है, एक राइट वाला पार्ट है। तो अगर मैं इस पूरे हेडर को अगर दोनों साइडों से मैं पैडिंग दे दूँ, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट, तो वो थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ कि जी आप क्या हो जाओ पैडिंग। अच्छा पैडिंग में अगर तो मैं एक देता हूँ ना 5 पिक्सल, तो वो चारों साइड से 5 5 पिक्सल लेगा, बट मुझे चारों साइड नहीं देना है, मुझे सिर्फ लेफ्ट पे और राइट पे देना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम इसमें 4 वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 वैल्यूज़ में सबसे पहली वैल्यू क्या होती है, टॉप की, ठीक है, क्लॉक वाइज चलता है ये। सबसे पहली वैल्यू टॉप की तो 0। अच्छा 0 के साथ पी एक्स लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख दूँ तो ठीक है, नहीं लिखूँ तो कोई मसला नहीं है, 0 लिख देता हूँ। उसके बाद क्लॉक का कांटा ऊपर टॉप के बाद कहाँ जाता है, राइट पे जाता है। तो राइट पे मैंने कहा कि यार 1 REM सही है। अच्छा उसके बाद जाता है डाउन, डाउन पे 0, और उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट पे भी 1 REM, ठीक है। अब इस 1 REM को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माई नीड्स, ठीक है। इसको वाले को भी मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कर देता हूँ। तो आई थिंक शायद 3 REM पे जो है ना ये सही है इस वक्त। अच्छा टॉप से भी शायद मुझे थोड़ी पैडिंग इसमें चाहिए थी, क्योंकि मेरा बटन भी टॉप पे ना बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी पैडिंग टॉप पे भी मुझे शायद रिक्वायर्ड है, वो भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो टॉप सबसे पहले, टॉप को मैं क्या देता हूँ एटलीस्ट 1 REM में टॉप से भी दे देता हूँ, ठीक है। तो कुछ हमारा जो नेविगेशन बार है वो इस तरह का हो गया, ठीक है। ये सारा नोट कर रहे हो आप कि क्या क्या मैंने इसमें चेंजेस किए हैं। अच्छा अब लिहाजा आपको क्या करता हूँ, मैं इसको एक नए टैब में ओपन करता हूँ ताकि वो बिफ़ोर आफ्टर वाला आपको फील आ जाए। सही है, ये आफ्टर है और ये बिफ़ोर है, सही है। तो काफ़ी इसमें चेंज आ चुका है। अच्छा इस जगह पे एक स्पेस आपने दिया हुआ था शायद, वो स्पेस हमारा VH की वजह से जो है ना वो ख़त्म हो गया है ना, ये वाला चक्कर तो एक हुआ है। इसको भी हम वापस ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं वापस हम, कि हम अपने स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये हमारा हेडर है और इस हेडर के फ़ौरन बाद ये सेक्शन है, तो हेडर और सेक्शन के दरमियान में मुझे स्पेस चाहिए। तो मैं इस सेक्शन को क्या दे दूंगा, मैं दे दूंगा मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, और मैंने कहा कि 5 REM। तो मैं अब जितना इसको नीचे ले जाना चाहूँ मैं उतना इसको नीचे ले जा सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 10 REM दे दिया, तो ये क्या हो गया, इस जगह पे ये पहुँच गया, ठीक है। तो काइंड ऑफ वो स्पेस भी हमारे पास वापस आ गया जो हमने मिस कर दिया था पहले। तो अब जितना भी स्पेस मुझे चाहिए हो, यहाँ पर चाहिए हो या इन दोनों सेक्शन के दरमियान में चाहिए हो, तो वो हम स्पेस क्या कर सकते हैं, मार्जिन के थ्रू अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वेल डन, बहुत ज़बरदस्त। ये हमारे पास है एना अमजद, अच्छा एना अमजद, एना अमजद है, अच्छा एना अमजद को ये मार्किंग हो गई। अच्छा एना खान का भी मैंने चेक कर लिया, राइट, एना खान ने ये बनाया है। लेकिन एना खान ये आपका असाइनमेंट एक्सेप्टेबल तो नहीं हुआ बाय द वे, क्योंकि असाइनमेंट ये था नहीं, असाइनमेंट था कुछ और, ठीक है। आपने ये सबमिट करवाना है स्टिल। अच्छा जी ये बिफोर आफ्टर हो गया हमारा, इस दोनों को बंद कर देते हैं। अच्छा जी अब हमारे पास ये आ गया, हाँ भाई आपने तो वीडियो नहीं लगाई, आपने तो फोटो लगा दी है यहाँ पर, कौन है ये? ये मैंने बोला था ये फोटो या वीडियो कुछ भी लगा दो। अच्छा एक तो इजी असाइनमेंट, ऊपर से मैंने इंस्ट्रक्शन भी फुल इजी वाली दे दी आप लोगों को। अच्छा नहीं बनाया तो सही है यार, गुड। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो जैसे ही मैंने इसको पेज को छोटा किया ये तो साइड से इस तरफ आ गया। इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। हुमैरा कौन है, हुमा, इसमें भाई मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, ये इसको आप मजीद बेहतर करें, अभी करेंगे आप ये, ठीक है ना। अभी ज़रा मैं एक दो लोगों को और फीडबैक दे दूं ताकि पता लग जाए कि क्या सीन है।
अच्छा ये वीडियो वाला तो मैं बता चुका हूँ, इस पे कंट्रोल्स नहीं होने चाहिए, और ये मतलब जाहिर है जिस तरह का वहाँ पे था, मैं उसको क्या करना था, मिमिक करना था एक्चुअली। अच्छा ये यार बैकग्राउंड में बड़ा अच्छा सा लगाया आपने, ये क्या चीज़ है, फोटो है ये? ये CSS से बैकग्राउंड फोटो लगाइए, क्या लगाया है? HTML में कैसे लगाया यार आपने ये? अच्छा बॉडी को आपने बैकग्राउंड वो दिया हुआ है ना, ये बॉडी को आपने बैकग्राउंड इमेज दिया हुआ है, राइट? हाँ बॉडी को दिया हुआ है, सही है, गुड यार, अच्छा लगाया आपने ये। अच्छा, ये आपका लेआउट सही है फ्लैक्स बॉक्स वाला। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर कैसे आ जाता है? जब ये साइडों में स्पेस तो मौजूद है फिर भी एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। आपने इस पे क्या लगाया है? फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। अगर अलाइन आइटम में मैं स्पेस अराउंड लगा दूं तो अलाइन आइटम, तो खैर सेंटर वो तो वर्टिकली सेंटर हो गया ना, ये जस्टिफाई कंटेंट में मैंने लगाना है, क्या लगाना है, स्पेस अगर मैं अराउंड लगा दूं, स्टिल क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है ना वो आपके एक्चुअल बॉक्स से बाहर निकल जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका बॉक्स तो सही है, अपनी जगह पर है बिल्कुल जहाँ उसको होना चाहिए, लेकिन ये बिल्ड फॉर प्रोडक्टिविटी वाला जो टेक्स्ट है ये इस बॉक्स से बाहर आ जाता है, तो दैट्स द रियल प्रॉब्लम कि ये क्यों इससे बाहर आ जाता है। ये मैंने इस बॉक्स को पकड़ा, ठीक है, ये बॉक्स है मेरे पास कंटेंट डैश लेफ्ट करके इसका नाम है। अच्छा हाँ, इसको आपने विर्थ परसेंटेज में दी हुई है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, विर्थ आपने इसको परसेंटेज में नहीं देनी है, विर्थ आपने इसको किस तरह से देनी है, आपने इसको विड्थ देनी है या तो ई एम में। ई एम में ना विड्थ देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एम की जो विड्थ होती है ना दैट इज इक्वल्स टू 1 ई एम। फोन के लिए नहीं कर रहा था ई एम, अच्छा मैं आपको ई एम का फायदा बता देता हूँ। अब जैसे देखें आप, ये जो है ना 1 2 3 चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये टोटल 22 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली इसके लिए कितनी विड्थ चाहिए, 20 ई एम। अच्छा एक ई एम होता है एक आर ई एम होता है, जो ई एम होता है वो उस बॉक्स के टेक्स्ट को देख रहा होता है जहाँ पे वो उस वक्त मौजूद होता है, और एक आर ई एम होता है वो बॉडी के टेक्स्ट के साइज़ को देख रहा होता है, बॉडी के टेक्स्ट का साइज़ 16 पिक्सल होता है। अब इसका क्या पिक्सल में साइज़ है वो मुझे अगर नहीं भी पता है तो मैं 22 आर ई एम लिख दूंगा ना, तो वो उसको उतना हो जाना चाहिए, ठीक है, तो आ जाते हैं। अच्छा इसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ई एम में हाथ से ही लगाऊँ या आर ई एम लगाऊँ, मुझे अगर एग्जैक्टली पता है कि फॉन्ट साइज़ इसका 55 पिक्सल है, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 22 भी ये एक ही बात है, 55 मल्टीप्लाई बाई 22, तो मुझे इसको 1200 पिक्सल देना पड़ेगा, तो ये तो 1200 पिक्सल मेरी स्क्रीन से भी बाहर चला जाएगा, तो ये 1200 पिक्सल की विड्थ सिर्फ इसको चाहिए इतने को, अगर मुझे पूरा इसको एज इट इज़ इस तरह से दिखाना है तो मुझे 1200 पिक्सल की इसकी विड्थ चाहिए, ठीक है। और अभी इसकी विड्थ इस वक्त क्या है, अभी इसकी विड्थ है 925। नहीं यार ये क्या, मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है क्या, कैलकुलेशन में मैंने कोई मिस्टेक की है बाय द वे, क्योंकि ये तो 900 पिक्सल है, इसको पूरा आना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। तो पॉइंट समझ आ गया क्या चक्कर है ये, कि मुझे इसको विड्थ इतनी देनी है कि ये टेक्स्ट जस्ट सीधा नज़र आ जाए, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से इसकी विड्थ कम करना शुरू करता हूँ, ठीक है, ये मेरा कंटेंट है ना, इसकी जो विड्थ थी 30 पिक्सल, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 600 पिक्सल किया, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा ये बाय द वे इसको एक लाइन में हमने दिखाना है या दो लाइन में दिखाना है, कहाँ गई स्लैक की ओरिजिनल वेबसाइट,
इसको हमने एक लाइन में दिखाना है या दो लाइन में? अच्छा दिखाना तो हमें एक लाइन में ही है। अच्छा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करके इसका टेक्स्ट का साइज़ भी देख सकते हैं, बड़ा आसान है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मुझे बता देगा कि इसके टेक्स्ट का साइज़ क्या है। फॉन्ट साइज़ कहीं ना कहीं आ रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पे फ़िल्टर करके मैं, अच्छा फॉन्ट साइज़ इस पर नहीं लगा हुआ, इसके पेरेंट के ऊपर फिर लगा हुआ होगा, इस पर नहीं लगा हुआ तो ठीक है। H1 है ये, अच्छा H1 पे इन्होंने फॉन्ट साइज़ लगाया हुआ 3.125 REM, ये इन्होंने साइज़ लगाया हुआ फॉन्ट पे, ठीक है। ये 3 REM का एक फॉन्ट है, यानी जितना बड़ा बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है इस वक्त, REM किसको देख रहा होता है, बॉडी के टेक्स्ट के साइज़ को देखता है ना, तो बॉडी के टेक्स्ट का साइज़ जो भी है उसका 3 गुना, यानी 3.125 इन्होंने लगाया, तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी वही साइज़ अपने पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि इसका जो फॉन्ट है ना 55 पिक्सल है, 55 पिक्सल नहीं करो इसको, मैं बोलता हूँ इसको 3.1 क्या था 154, हम 3 REM कर देते हैं सीधा सीधा, ठीक है 3 REM कर दिया मैंने, तो बिल्कुल वो वाला मैच हो जाएगा सेम। अच्छा इसके ऊपर वाले का भी यही साइज़ है, ऊपर वाले का भी मैं यही साइज़ बना देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार 3 REM, ठीक है, तो वो साइज़ हमने मैच कर लिया। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको एक लाइन में दिखाना है, तो मैं इसके साइज़ को इतना बड़ा करूँगा, अभी 600 पिक्सल है ना ये, इसको मैं इतना बड़ा करूँगा कि ये क्या हो जाए, एक लाइन में आ जाए, ठीक है, इतना बड़ा मैंने इसको कर दिया। अच्छा ये 612 पिक्सल पे ये एक लाइन में, तो मैं इसको 615 कर देता हूँ, 615 पे क्या हो गया, ये एक लाइन में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि यार अब ये अगर स्क्रीन को छोटा करते हैं तो ये एक दूसरे पे चढ़ता तो नहीं है। अच्छा अब ये इतनी छोटी स्क्रीन तक जो है ना ये सही है, उसके बाद क्या होता है, ये दो लाइनों में चला जाता है, उसके बाद ये दो लाइनों में चला जाता है। अच्छा स्टिल हमें क्या चाहिए, इन दोनों के दरमियान में कुछ मार्जिन चाहिए, ताकि जब ये इस तरह से भी हो ना तो ये कुछ ना कुछ मतलब ठीक दिखे, बिल्कुल बेकार ना हो जाए। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको वापस छोटा करता हूँ, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में वैसे भी मुझे मार्जिन चाहिए था, जो कि ओरिजिनली नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल स्लैक में हम देख लेते हैं, हाँ इसमें अच्छा खासा मार्जिन दोनों में मौजूद है, अच्छा खासा डिस्टेंस है दोनों में, ठीक है। अच्छा ये काम हम किस तरह करते हैं, ये काम हम करते हैं लाइन हाइट करके एक प्रॉपर्टी होती है उससे। अच्छा लेकिन हम मार्जिन से भी कर सकते हैं, मार्जिन से भी कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं इस बटन के ऊपर आ गया ना, मैं बोलता हूँ यार थोड़ा मार्जिन हो जाओ, दूर हो जाओ। मैंने कहा कि जी मार्जिन टॉप, ठीक है, बटन को मैंने कहा मार्जिन टॉप लो आप, और मैंने कहा 1 REM जितना आप मार्जिन टॉप हो जाओ। फिर क्या हुआ, इसको पता नहीं लगा, मार्जिन टॉप की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, ये क्या हो रहा है, इसको तो पता ही नहीं लग रहा। ओ एक्चुअली चक्कर ये हो रहा है कि टॉप में इसको मार्जिन नहीं पता लग रहा, साइडों में पता लग रहा है, वाई इज़ दैट। अच्छा इस पैराग्राफ को अगर मैं मार्जिन बॉटम दूँ तो, मार्जिन बॉटम इसको दे दूँ मैं 1 REM तो ये पता लग रहा है, चलो सही है। आई एम नॉट श्योर कि ये एंकर टैग को जो है ना टॉप और बॉटम पे मार्जिन क्यों नहीं पता लग रहा, लेकिन जो भी रीज़न है हमने क्या कर दिया, इसको 2 REM यहाँ पे से दे दिया। अच्छा इसी को हम मार्जिन टॉप भी दे देते हैं ताकि वो ऊपर वाले से भी दूर हो जाए, मार्जिन टॉप 1.5 REM, ठीक है, बल्कि 1 REM 0.5 भी ठीक है। ठीक है जी, मच बेटर। अच्छा स्लैक का जो लोगो है वो ये वाला लोगो नहीं है, स्लैक के लोगो के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके स्लैक लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो आप किस तरह करेंगे, आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे ऐसे, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये SVG का पाथ एक्चुअली दिखा रहा है, ठीक है। तो इस SVG के पाथ को भी सेव किया जा सकता है, लेकिन ये किस तरह से होता है सेव,
इस पे राइट क्लिक करने पे एक ऑप्शन आ रहा होता है कॉपी, नॉट लाइक दिस, ठीक है। वेल अगर यहाँ पे आपको ना मिले तो कोई मसला नहीं है, पीएनजी इमेज में पूरा स्लैग लिखा हुआ भी मिल जाता है। ये जो आपने ये लगाया हुआ है ना पीएनजी इमेज में क्या हो जाता है, अगर आप जाके लिखे ना स्लैग लोगो पीएनजी तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पीएनजी, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं और ये पहली ही इमेज जो मुझे मिली है वो बिल्कुल सही मिली है, तो मैं क्या करूँगा इंस्टेड उसको ये वाली इमेज को इस्तेमाल करूँगा बजाय इसके कि मैं क्या करूँ इस तरह से करूँ। और ये लोगो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हुआ है, इतना बड़ा लोगो वो एक्चुअल में है भी नहीं, ठीक है। 100 पिक्सल का लोगो हुआ हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 100 पिक्सल से इसकी जो विड्थ है इसको मैं 70 पिक्सल कर देता हूँ या मे बी उससे भी कम, ठीक है। काइंड ऑफ ये 50 पिक्सल का लोगो है जो ये खुद दिखाते हैं, देख लेते हैं इन्होंने कितने साइज़ का लोगो दिखाया हुआ है। ये इनका है ना, अच्छा इसकी विड्थ 100 है और हाइट इन्होंने बताई भी नहीं है, लेकिन विड्थ 100 में ना सिर्फ लोगो नहीं है, ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 100 विड्थ है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली वो साइड वाला जो लोगो है वो शायद आई थिंक 30% है पूरे ओवरऑल का, तो एक्चुअली ये 30 पिक्सल का दिखा रहे हैं, 30 पिक्सल का लोगो इन्होंने दिखाया हुआ है जो ये पार्ट आपने डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो दिस इज़ इवन स्मॉलर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब ये कुछ तो इसमें इम्प्रूवमेंट्स थी वो मैंने कर दी, लेकिन इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड कलर जो है ये लोगो उसके हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। आपने जो बैकग्राउंड कलर दिया वो ज़रा डिफरेंट है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उसी हिसाब से चीज़ों को अलाइन करना पड़ेगा, तो इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्लस ये कि आपने इसके नीचे का मज़ीद थोड़ा सा अगर बना लेते तो अच्छा रहता, वो भी आपने नहीं बनाया ना, तो इसको भी ज़रा ट्राई करें कि और आगे बन जाए। अच्छा इसको भी ज़रा बिफ़ोर आफ्टर हम देख लेते हैं कि किस हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आई है हमने जो इसमें किया है उसकी वजह से, ठीक है। तो पहले ये कुछ इस तरह का दिखता था, अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। तो ना सिर्फ आपने ये वाली इम्प्रूवमेंट इस पर अप्लाई करनी है बल्कि मज़ीद भी आपने इसको इम्प्रूव करना है। कौन सा था आपका, हुमा हुमा, ये कौन सा था, ये वाला किसका था, निदा का था, निदा खान, आपका मैंने चेक कर लिया था। हाँ इसमें तो ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा मैं फिलहाल, इसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये टॉप वाला पार्ट तो मैंने बना दिया था ना, आपने बाकी का आपने बनाना है। अच्छा जी ये किसने सबमिट करवाया है, हाँ जी ये किसका है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करें मज़ीद। वीडियो तो आपकी सही चल रही है, वीडियो है ना, ये जिफ लगा दिया था आपने, चलें इसमें वीडियो लगा दीजिएगा। वैसे जिफ भी ठीक है, जहाँ पे जिफ से काम चलता है वहाँ पे जिफ भी ठीक है, लेकिन वो वाला उन्होंने वीडियो लगाई भी है, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो भी लगा लें एक जिफ, इसको थोड़ा नीचे कर दें, जिफ किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लें। हाँ जी सारा ईमान, ये क्या हो जाता है भाई इसको, कौन है सारा ईमान, एक्चुअली कंटेंट तो इसके अंदर भी वही है सारा जो स्लैक के ऊपर है, लेकिन आपने इसमें मीडिया क्वेरी भी अप्लाई किया आई थिंक। ये कोड आपने खुद लिखा है आपके कजन ने लिखा है,
ये जो मीडिया क्वेरी है ना, इसके अंदर जो गड़बड़ है, ये छोटा होता ही जो ख़राब हो जाता है, और ये उससे छोटा होता ही और ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वैसे तो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, ये जो ये ऊपर चला जाता है ना बहुत ज़्यादा। अब इसको मैं क्या करना है, मैंने कि इस वाली मीडिया क्वेरी के ऊपर, जो यहाँ पे ये मीडिया क्वेरी इस पर लगी हुई है ना, कि इतने पिक्सल पे जाके ये छोटा करें। तो उस मीडिया क्वेरी पे जाके मैंने इसको चेंज करना है जस्ट, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वेल, मीडिया क्वेरी तो इसमें यार नज़र भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या लगा हुआ है। वेल, तो भाई ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है आपका, क्योंकि ये आपने कोड खुद नहीं लिखा है एक्चुअली, और कोई मसला नहीं है। बनाया तो आपने ठीक है, और जब आपने कोड खुद नहीं लिखा है तो आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि उसमें हुआ हुआ क्या है। ये कौन है जी? मुनीर शहला। कौन है आप? हैं? अच्छा, ये भी अच्छा बनाया आपने, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। वीडियो एक तो आपने नहीं लगाई, वो लगा लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, इसको अब मैं छोटा करके देखूँ लेआउट की क्या रिपोर्ट है। लेआउट भी ठीक है आपका, मतलब यहाँ तक कितनी स्क्रीन तक सही काम कर रहा है, ठीक है। बाकी जो डिस्टेंस वगैरह इन दोनों के दरमियान में, ये सारा फीडबैक मैं दे चुका हूँ, ये आपने सुना है, तो वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी इस वेबसाइट में भी ना। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे अलग से बताने की ज़रूरत है। जो मैंने फीडबैक दिया है उसमें आप समझ लें कि इसमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये असाइनमेंट आपका मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल आपने इसको इम्प्रूव करना है। इसमें भी फोटो है भाई, अनीशा। हाँ जी, कौन है आपका? और इनका असाइनमेंट तो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, साथ बैठ के बनाया आप लोगों ने, लग रहा है ना? बिल्कुल एक जैसा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब भी तो मैं कह रहा हूँ एक जैसा है। पिक्चर भी चेंज नहीं होती फिर तो। आप लोगों ने साथ बैठ के बनाया? अच्छा, साथ बैठ के बनाना मना नहीं है, साथ बैठ के बना सकते हैं असाइनमेंट, ठीक है, लेकिन एक दूसरे का कोड कॉपी पेस्ट करना मना है, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोड कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आप दोनों का कोड देख के ऐसा लग रहा है कि एक ही कोड है, ये अलग अलग नहीं लिखा गया है, एक ही कोड लग रहा है मुझे, ठीक है। तो लिहाजा सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कोई एक दूसरे का कोड कॉपी पेस्ट कर रहा है ना, तो उससे परहेज़ करें, क्योंकि देखें आसान तो बहुत है कॉपी पेस्ट करना। अब जैसे क्लास में किसी एक ने बना लिया, उसकी गिटहब की रिपॉजिटरी तो वैसे भी पब्लिक है, आपने जाके वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, तो मैं तो एक्सेप्ट तो कर लूँगा, क्योंकि ये असाइनमेंट भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट तो मैं कर लूँगा, लेकिन उससे मसला पड़ जाएगा आपको, क्योंकि जाहिर है इससे आगे का लेवल आएगा, इससे आगे का लेवल आएगा, तो मुझे तो लगेगा कि आपसे बन पा रहा है, लेकिन वो असल में आपको पता होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। नाम क्या है? हाँ, अच्छा, आपको क्या नाम है? ये तो मैंने बोला अभी, इसको तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसको इम्प्रूव करें आप। यहाँ पे वो ये देखें ना, ये किधर जा रहा है और ये बटन किधर जा रहा है, इसको इम्प्रूव करें, ये फिर एक्सेप्ट करूँगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये कौन है भाई? सुमैया। आप स्लैक वाला बना लेते ना, ये वाला क्यों बना दिया? पता कैसे नहीं था? पता मतलब वीडियो मैंने अपलोड कर दी जब लास्ट क्लास की, तो उसके लास्ट,
पुरानी वेबसाइट, पुराना हो गया ना ये तो, ब्यूटी सैलून वाला तो। मैं असल में वो ब्यूटी सैलून के लिए जो मैंने कहा था ना, वो मैंने ये नहीं कहा था कि आपने वो असाइनमेंट बना के लाना है, वो मैंने ये कहा था कि अब आपको वेबसाइट बनानी आ गई है तो आप क्या करेंगे, किसी भी ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी सैलून में जाके आप उनको बोलेंगे कि यार आपकी वेबसाइट बना सकती हूँ मैं। वो तो मैंने पैसे कमाने का तरीका बताया था आपको, वो असाइनमेंट नहीं था, वो असाइनमेंट तो स्लैक वाला था, ठीक है ना। अच्छा बनाया आपने, ये भी अच्छा है। इसको मैं ज़रा देख लेता हूँ एक दफ़ा कि क्या किया आपने इसमें। फ्लैक्स बॉक्स तो इसमें इस्तेमाल नहीं किया आपने, फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल किया है? नहीं है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा फ्लैक्स बॉक्स। अच्छा हाँ नहीं सही है, नेव बार फ्लैक्स बॉक्स में। हाँ नहीं आपने किया तो है, फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल किया हुआ है आपने, लेकिन स्टिल ये आपने बहुत अच्छा बनाया है, आई अप्रिशिएट। लेकिन आपने क्या करना है, वो स्लैक वाला भी बनाना है, ठीक है। आपका असाइनमेंट जब जब ही सबमिट होगा, जब आप स्लैक वाला बना लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखें उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं है, क्योंकि जैसे एक पेज है ना ये वाला स्लैक की, मैं अगर ओरिजिनल वेबसाइट पर आ जाता हूँ यहाँ पर, और आपने अगर जस्ट ये शुरू का जो ये दो पार्ट है, यानी इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, अगर ये दो पार्ट भी आप बना लें शुरू का ना, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे इसमें ये वाले एलिमेंट्स हैं ना दरमियान वाले, अब ये वाले एलिमेंट्स तो उसमें नहीं है, उस वेबसाइट में आपके, ठीक है। फिर इसमें ये ऊपर जो कलर चेंज है, नीचे कलर चेंज है, ये वाला भी पार्ट नहीं है। फिर इसके अंदर जो है वो यहाँ पे हेडिंग का कलर अलग अलग है, बटन्स लगे हुए हैं, बटन्स तो चलो आपने लगाया है, ठीक है। फिर साथ में यहाँ पे वीडियो चल रही है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप एज इट इज़ इसको मिमिक करने की कोशिश करें जो यहाँ पे बना हुआ है, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वो जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें इस वाले में नहीं है, मिसिंग है, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली पर्पस क्या है, लर्निंग इज़ आवर ओनली पर्पस। जिमल खान, जिमल खान कौन है आप हैं? अच्छा आपने भी अच्छा बनाया जी, लेकिन काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे आपका ना सारा दो दो लाइन में आ जाता है, अबाउट आवर फूड कभी भी ना इतना वो नहीं होता, इतनी लंबी हेडिंग्स नहीं होती, योर राइट टू नो, आवर ऐप, ये सब दो दो लाइन में जा रहा है, ये दो दो लाइन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसको एटलीस्ट क्या होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, इस तरह से आ रहा हो एटलीस्ट ये, ठीक है। और थोड़ी सी छोटी स्क्रीन पे भी चले, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ज़रा सी स्क्रीन छोटी हुई और आपका तहस नहस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी छोटी स्क्रीन पे भी चलना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर ले जाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, इसी तरह बताया था ना मैंने, ये टैबलेट की स्क्रीन आ गई 700 पिक्सल की। अब टैबलेट के बाद मेरे पास कौन सी स्क्रीन है, ये लैपटॉप की स्क्रीन है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे भी ना आपका ये सही नहीं चल रहा। अब मैं लैपटॉप को और बड़ा करता हूँ, और बड़ा करता हूँ, और बड़ा करता हूँ, तो ये अब जाके सही हुआ है, ये इतने पे जाके सही चलता है। यानी 1159 पिक्सल की इसको स्क्रीन चाहिए ही चाहिए, लाजमी 1100 से थोड़ा सा नीचे आता है तो ये मसला कर जाता है। तो एटलीस्ट इसको क्या होना चाहिए कि जो हमारा जो लैपटॉप का साइज़ है ना, लैपटॉप का जो साइज़ है वो 1024 है, ठीक है। लैपटॉप स्मॉल लैपटॉप यानी जो मेरे पास इस पर मौजूद है, 1024 उसका साइज़ है, तो एटलीस्ट इतने पे ये सही चलना चाहिए। और फ्लैक्स बॉक्स लगाने का मकसद यही था कि हमारा पेज ज़रा सा ऐसा हो ना कि मॉड्यूलर हो जाए, दो साइडों पे हो जाए, ताकि वो थोड़ी छोटी स्क्रीन भी अगर हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, या तो इसी को इम्प्रूव कर लें, लेकिन बेहतर ये है कि इसको जितना बना लिया उसको छोड़ दें, स्लैक वाली वेबसाइट बना लें। अच्छा ये जो नीचे चल रहा है ये क्या चीज़ है, ये वीडियो है यार? स्लाइड शो आपने कैसे लगा लिया, कोई लाइब्रेरी यूज़ की इसके लिए आपने, क्या किया?
ये तो पूरा एनिमेशन आपने बनाया है की फ्रेम लगा के। अच्छा ये आपको आता है एनिमेशन ये सारा लगाना? अच्छा गुड यार, बहुत ज़बरदस्त, अच्छी बात है। अब ये जो नीचे वाले आइटम है आपके पास ना, ये वाले, ये आइटम भी ना स्क्रीन छोटे होने पे बजाय ये कि रैप हो जाए ये दब जाते हैं ना, तो इसमें भी अगर इम्प्रूवमेंट करनी हो आपने तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें रैप लगा दें ज़रा, ताकि स्क्रीन छोटी हो तो ज़रा ये नीचे मूव करके नीचे आ जाए, बजाय इसके कि ये ना देखें स्ट्रेच हो जा रहा है ये। अच्छा ये जो स्ट्रेच हो रहा है ना, इसका भी रीज़न बताऊँ मैं आपको क्या है। देखिए ये पिक्चर है ना आपकी, ये वाली, ये पिक्चर स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेच होने का इसके रीज़न ये है कि आपने इसके ऊपर विड्थ भी दी हुई है और हाइट भी दी हुई है, ठीक है। तो कोई एक चीज़ इसकी मैं हटाऊंगा ना तो ये सही हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने हाइट इसकी क्या कर दी, हटा दी, तो ये सही हो गया। ये इतना खिंचा हुआ था, ये एम को खींच के लंबा किया हुआ था। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ ना, देखिए एम ये खींच के लंबा हुआ हुआ, तो ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो आपने रखी हुई है 300 और इसकी हाइट रखी हुई है आपने 200। हालांकि इसकी हाइट 200 नहीं है, इसकी जो हाइट है वो इससे कम है। तो अब विड्थ तो आपने सही रखी हुई है लेकिन हाइट आपने खींच के जब बड़ी की ना तो ये मसला हो जाता है। तो एक्चुअल में आपकी पिक्चर जिस विड्थ और हाइट में आपको डिस्प्ले करनी है, आपने क्या करना होता है, उसी विड्थ हाइट की पिक्चर प्रोड्यूस करनी होती है फोटोशॉप से या किसी भी जो भी सॉफ्टवेयर है जिससे आप ये इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कैमरे से आपने इमेज ली है तो उसको आप क्रॉप करके उतने पिक्सल पे लेके जाते हैं जितने पिक्सल में आपने लगाना है उसको। अच्छा, और फिर आप एग्जैक्टली उतना ही पिक्सल विड्थ और उतना ही पिक्सल हाइट आप यहाँ भी लिखते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जब इमेज है ही उतने पिक्सल की तो मुझे यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है ना, जब इमेज है ही उतने पिक्सल की तो मुझे यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है, कौन बताएगा ये? हाँ जी, अगर इमेज मेरी मिसाल के तौर पे 300 पिक्सल बाई 200 पिक्सल की, इतने ही पिक्सल की इमेज होनी चाहिए मेरे पास, मैंने ये बता दिया, तो अगर इतने ही पिक्सल की इमेज है तो वो तो उतनी बड़ी नज़र आएगी, तो फिर मुझे क्या स्टिल यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत है? अगर है तो क्यों है? जिनको पहले से HTML थोड़ी बहुत तो आती है सब लोगों को ही। डिस्प्ले, अच्छा इसकी अगर मैं हाइट और विड्थ दोनों हटा दूं, ये हाइट भी हटा दी मैंने, विड्थ भी हटा दी, तो डिस्प्ले तो ये अभी भी हो रही है, ठीक है। अभी एट्रीब्यूट इसमें ना, एट्रीब्यूट भी हटा देता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले तो ये हो रही है लेकिन ज़रा आड़ी टेढ़ी हो गई है डिस्प्ले। जितनी बड़ी इमेज है उतनी बड़ी डिस्प्ले हो गई है और एक्चुअल साइज़ उसका थोड़ा ज़्यादा है, इतना बड़ा मैंने डिस्प्ले नहीं करना था, तो मैंने ये कहा कि ये इन द फर्स्ट प्लेस ही है ही गलत, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में काम होता कैसे। ये पिक्चर जो साइज़ में बड़ी है इसको बड़ा नहीं होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था, एग्जैक्टली उतने ही साइज़ का होना चाहिए था जितने की इसको लगनी है यहाँ। और उसके बावजूद मुझे क्या करना पड़ता, उसके बावजूद मुझे यहाँ पे विड्थ और हाइट ना इस तरह से देना पड़ता। अच्छा इसका रीज़न ये है कि जब मैं ये विड्थ हाइट इस तरह से देता हूँ तो क्या होता है कि मेरे HTML को पता लग जाता है कि ये इमेज का साइज़ क्या है। लिहाजा ये होता है कि जब मैं पहली दफ़ा जब ये पेज खुलता है, पहली दफ़ा ये पेज खुलने की सूरत में मैं नेटवर्क के टैब में जाता हूँ और मैं करता हूँ कि डिसेबल कैश है और इंटरनेट को स्लो 3G कर देता हूँ, ठीक है। और जब मैं इस पेज को लोड करूँगा तो आप नोट करेंगे कि HTML पहले लोड होता है और पिक्चर्स और वीडियोज़ थोड़ी देर में लोड होती हैं आराम आराम से। ये देखें आप, ये पिक्चर देखें किस तरह से लोड हो रही है, पिक्चर थोड़ी स्लो स्लो लोड होती है। अब पिक्चर तो जब तक कम्प्लीटली लोड नहीं होगी तो HTML को पता नहीं लगेगा कि ये पिक्चर का साइज़ क्या है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं HTML के एट्रीब्यूट में पहले ही उसको बता देता हूँ कि जी ये 300 बाई 200 की जगह रिजर्व कर लो, यहाँ पे एक इमेज आने वाली है। अच्छा अगर मैं वो 300 बाई 200 उसमें नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा कि जब तक इमेज लोड नहीं होती तो वो पिचका हुआ होगा डब्बा। यानी मिसाल के तौर पे ये डब्बा अभी स्क्वायर आया था ना पेज लोड होते हुए, ये वाला डब्बा, ठीक है, तो ये वाला डब्बा स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि ये वाला पार्ट और वो यहाँ चिपका हुआ होगा ये पार्ट। जैसे जैसे पिक्चर लोड होती जाएगी और इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी और वो अल्टीमेटली इस तरह से दिख जाएगा जैसे ये अभी दिख रहा है। तो क्या होता है कि अगर आप सोचें ये सारे डब्बे अगर पिचके हुए लोड हों और फिर थोड़ा थोड़ा करके ये बड़े हों,
तो पूरी वेबसाइट ऐसा लगता है ग्रो कर रही है, पेज लोड होते ही पूरी वेबसाइट ऐसा लगता है यूँ ग्रो कर रही है, फूल की तरह खिल रही है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस ना। पेज आपका क्या होता है, जर्की हो जाता है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो आपका पेज बहुत ज़्यादा मूव करता है। मिसाल के तौर पर ये जो डब्बा है, ये जो एम सी डिलीवरी लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ आएगा, वो ये लिखा हुआ आ जाएगा इस जगह पे, काइंड ऑफ ये जहाँ पे भी ये चिकन लिखा हुआ है इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो तो लोड ही नहीं है, ये वीडियो तो थोड़ी थोड़ी करके हो रही है लोड। अच्छा, और फिर वो जैसे ही वीडियो लोड होगी वो ठक करके नीचे फेंकेगा उसको, ये एम सी डिलीवरी को, ये जैसे ही ये वीडियो बड़ी वाली लोड होगी ये ठक करके उसको नीचे फेंकेगी, तो मेरा पूरा पेज मूव होता हुआ फील होगा, दैट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इमेज का एक तो वही साइज़ लगाता हूँ जो मुझे चाहिए, और ना सिर्फ मैं वही साइज़ लगाता हूँ बल्कि मैं पिक्चर को भी उसी साइज़ का रखता हूँ जिस साइज़ की मुझे लगानी है, तो ये दोनों चीज़ें होंगी तो मेरी पिक्चर सही परफॉर्म करेगी, अदरवाइज़ मेरी पिक्चर सही परफॉर्म नहीं करेगी। अच्छा जी, तो आज की क्लास को यहाँ तक रोकता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा फीडबैक्स आप लोगों को मिल गए हैं। हाँ, आपका आपने सबमिट किया है, नज़र नहीं आ रहा मुझे, टर्न इन नहीं किया। अच्छा, जोबिया जो जुबारिया, ये तो अच्छा जुबारिया, ये तो मनाल की आवाज़ नहीं थी। हाँ, आपका असाइनमेंट आपका तो नहीं है, आपका है असाइनमेंट, सबमिट किया है आपने? अच्छा, ये सबमिट किया हुआ। अच्छा, ये दोनों का मैंने खोल लिया, दोनों का एक्सेप्टेबल नहीं है, दोनों का एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें मसला ये है कि ये इस तरह तो नहीं है, ये इमेज भी आपकी स्ट्रेच हुई हुई है, देखिए ना, इमेज स्ट्रेच हुई हुई है और वीडियो भी नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ ऊपर का नेविगेशन बार ठीक है आपका, ये नीचे वाला पार्ट इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, तो नेविगेशन बार जब आप सीख गए तो उसके नीचे वाला पार्ट भी तो उसी तरह है ना। अच्छा, मैंने अभी, चलो नीचे वाला पार्ट भी मैंने सिखा तो दिया है, अभी सिखा दिया मैंने। तो आपने मोबाइल में इसको चेक किया है, तो ये बनेगा कैसे मोबाइल में, ये तो बनेगा तो लैपटॉप में ही है। अच्छा नहीं, इसको कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए मैंने कहा था कि ऑप्टिमाइज़ करना है मोबाइल की, असल में मोबाइल की स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज़ हम कर सकते थे इसको, लेकिन दैट इज़ नॉट मैंडेटरी राइट नाउ, मैंडेटरी अभी ये है कि इसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो ठीक कर लें पहले, चूँकि ईजी टास्क है नस्बता, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है भाई। ठीक है, क्या चीज़ नीचे कैसे आएगी, आप लेट आए हो, मैंने शुरू में वो सारी बातें बताई हैं, जब मैं इनका असाइनमेंट चेक कर रहा था ना, आपका था, वो किसका था, आपका था और ऐना खान और ऐना अमजद, ये इन दोनों का असाइनमेंट जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने उनको सारा ये फीडबैक दिया कि ये कैसे नीचे आएगा, कैसे क्या होगा, आरईएम की सारी सेटिंग, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कर लिया मैंने बाय द वे उसको, तो वो आप उसमें से देख लीजिएगा। अच्छा, वेल, तो दो असाइनमेंट्स आपको मैं और दे देता हूँ आज, ठीक है, जो कि मैं कल नहीं चेक करूँगा, ऑब्वियसली कल हम आगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो दो असाइनमेंट और जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ड्यू रहेगा, नेक्स्ट सैटरडे आपको वो असाइनमेंट चेक कराना है, ठीक है ना, तो आपको उसके लिए 3-4 दिन एक्चुअली मिल जाएंगे। कल हम होपफुली जो है वो जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे, क्योंकि हमने इनफ टाइम लगा लिया है अपने HTML, CSS और फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन में ना आपको ये बता देता हूँ, एक्चुअली मैंने ये दूसरे सेक्शन वालों को दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वहीं से मैं कॉपी करके ना ये असाइनमेंट आपके इधर भी लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये दो अदद वेबसाइट है, क्लास वर्क एड असाइनमेंट दिस एंड असाइन, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अच्छा, इसको ज़रा देख लेते हैं क्या चक्कर है, ये दो वेबसाइट्स हैं हमारे पास, एक है openai.com, DALL-E 3 की जो वेबसाइट है ना, ये वाली वेबसाइट, ठीक है, अगेन चकोर चकोर सी वेबसाइट है, आसान है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ये वेबसाइट आपने पूरी बनानी है, ठीक है, और कंप्यूटर की स्क्रीन पर सही चले, बस
की स्क्रीन पे इस तरह से दिख जाए। अच्छा कंप्यूटर की स्क्रीन से मेरा मतलब ये है कि जब मैं इसको यहाँ लेकर जाऊँ ना, यानी डेस्क इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप देखें एक लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है। ये तो टैबलेट पे आ गया मैं। अरे इन्होंने क्या किया भाई। अच्छा ये लैपटॉप लार्ज हो गया और ये लैपटॉप स्मॉल। अच्छा लैपटॉप स्मॉल पे इनका पेज ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट जो ये होगी कि अगर लैपटॉप लार्ज और लैपटॉप स्मॉल, इन दोनों पे ना आपका पेज सही दिखे। ठीक है, लैपटॉप लार्ज और लैपटॉप स्मॉल के ऊपर ना आपका पेज इस तरह से दिख जाए, दैट्स इट। अब मोबाइल मोबाइल पे अभी उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर का नेविगेशन बार ऑलमोस्ट वही है। अच्छा यहाँ पे ये एरो वगैरह लगा हुआ है ना, ये लगाने की जरूरत, जैसे ये क्लिक करने से ये खुलता है ना, जैसे क्लिक करो ना तो ये खुलता है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। बस वो पीस वहाँ पे आ रहा होना चाहिए, क्लिकेबल होना उसका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये बटन यहाँ पे लगे हुए हैं दो तीन, ये बटन इसी तरह हों, विजुअली इस तरह हों तो अच्छा है। ठीक है, अच्छा ये चार सिंपल सी चार इमेजेस हैं, ये सीधी सीधी आपने अलाइन, अच्छा यहीं से उठा लेनी है इमेज। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, जब राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब किया आपने, तो ये इमेज आपके पास आ गई। सही है, तो इस तरह से आपने इसको लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये इमेज आपके पास आ गई। ठीक है, ये बड़ा बड़ा सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आसान है बिल्कुल। इसमें आपने कोशिश करना है कि आप इसका जो फॉन्ट जो है उसको भी जो है ना शामिल करें अपने पास। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है। सही है, यहाँ पे पता लग जाता है कि कौन सा फॉन्ट इन्होंने अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, फॉन्ट साइज़ भी पता लग जाता है और फॉन्ट फैमिली भी पता लग जाता है, सेरिफ करके कोई इन्होंने लगाया हुआ है तो। हाँ ये रहा सिग्निफायर। ठीक है, सिग्निफायर करके एक फॉन्ट है, वो इन्होंने लगाया हुआ है, तो ये देखें पता लग गया यहाँ से। तो ये असल में सेकंड प्रायोरिटी पे लगा हुआ है, ये यूआई सेरिफ और ये जॉर्जिया ये जो है ना, ये सेकंड प्रायोरिटी पे लगा हुआ है। ये तीन लिखते हैं कि एक ना मिले तो दूसरा, दूसरा ना मिले तो तीसरा, इस तरह होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर ये लगा पाएँ आप तो ये लगा लीजिएगा, इसी में से उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, इसी वेबसाइट के अंदर इसकी फ़ाइल पड़ी होगी फॉन्ट की, तो वो आपने निकाल लेनी है। ठीक है, अच्छा नीचे भी एक इमेज है, इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, तो ये मेरे पास पूरी इमेज एज इट इज़ खुल गई। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, आसानी से ये वेबसाइट बन सकती है। ज़्यादातर इसके अंदर जो है ना इमेजेस हैं, कलर्स कोशिश कीजिएगा यही वाले कॉपी कर लें। ठीक है, ये यहाँ पर एक वीडियो है जिसको क्लिक करने से ये प्ले होती है, तो इसको क्या करेंगे आप अपने पास लगा देंगे इसी तरह जैसे ये है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा राइट क्लिक करके, शायद डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, ये विमियो वगैरह पे कहीं पे है, तो अगर ये डाउनलोड हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर डाउनलोड ना हो पाए तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना इतनी और क्रॉप करके लगा देना, डाउनलोड हो जाएगा, वैसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। ठीक है, ये सारा इमेज ही है, मोस्टली इसके अंदर सारा इमेज है ये। अच्छा ये वाली इमेज पता है कैसे लगती है, ये वाली जो इमेज है ना, ये इसको वर्टिकल फ्लैक्स बॉक्स लगाते हैं इसके लिए, इसके लिए हम यूँ वर्टिकल फ्लैक्स बॉक्स लगाते हैं। इसको यूँ करके करोगे ना नहीं होगा, ये वर्टिकल लगता है, यानी मिसाल के तौर पर ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स और ये और ये चार इमेजेज है ना सीधी सीधी, ये एक फ्लैक्स बॉक्स है, यूँ है सीधा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो है, इसके बाद ये बनाना वाला और ये तीनों चारों पोटैटो वाला, ये सारा ये एक फ्लैक्स बॉक्स है। ठीक है, इस तरह हुआ भाई। फिर आप देखें ये टोटल चार फ्लैक्स बॉक्सेस हैं, एक ये टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम और ये टॉप टू बॉटम। सही है, ये समझ आ गया सब लोगों को। ठीक है, यहाँ पे भी मोस्टली फिर टेक्स्ट है, टेक्स्ट में स्टिल यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स है, पूरी स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, राइट वाले को खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो पार्ट है मेरा, ये भी क्या है, ये एक अदद इमेज है एक्चुअली ये। ठीक है, इन्होंने CSS के थ्रू इसको बैकग्राउंड इमेज के तौर पर सेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ से नीचे जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज़ एन इमेज। अब राइट क्लिक करने से ये इमेज दिख नहीं रही है यहाँ पे, बट इसको अगर आप जाकर देखेंगे ना इंस्पेक्शन में, तो इन्होंने CSS के थ्रू इस इमेज को यहाँ पे समहाउ सेटल किया हुआ है। ठीक है, ओ नो नो नो, दिस इज़ नॉट एन इमेज, इमेज नहीं है भाई ये।
इन्होंने बकायदा डिव बना बना के ना, ये पहले वाले को थोड़ा चौड़ा फिर चौड़ा फिर चौड़ा ऐसे किया हुआ है। ये रहा इन्होंने 1 पिक्सल, ये 23 पिक्सल, 22 पिक्सल, 21 पिक्सल, 20, ये काले काले रंग के डिव एक्चुअली है जो आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जा रहे हैं। वेल इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी करना कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गया डाले वाला। अच्छा अगली जो वेबसाइट है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड upwork.com। तो डाले वाला आपने पहले बनाना है, अपवर्क वाला आपने सेकंड नंबर पे बनाना है। दिस इज कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा ये क्या है, डिफ़िकल्ट है डाले वाले से। ठीक है, दोनों एक साथ सबमिट करा दें, दोनों एक साथ सबमिट करा दें। सैटरडे को करवाना है, अभी नहीं करवाना आपने ये, यू हैव 5 डेज़। मतलब अभी कल आपकी संडे को क्लास होगी, संडे को तो हम जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड वगैरह करने की कोशिश करेंगे, तो उसका कोई असाइनमेंट नहीं होगा जावास्क्रिप्ट का कल जो है ना, कोई असाइनमेंट नहीं होगा आपका, जस्ट एक ओवरव्यू होगा। तो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे 5 दिन आपको मिलेंगे। तो फ्राइडे नाइट तक आपने ये सबमिट करा देना, फिर सैटरडे को जब आप यहाँ पर आएंगे तो मैं यहाँ पर आपको फीडबैक दूंगा चेक करके, और हम होपफुली जावास्क्रिप्ट को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा अपवर्क में भी आपने कोशिश करना है। देखें पहली तो आप टारगेट अपना सेट करेंगे, दोनों मैंने बनाना है ये, इस तरह तो आप अगर अभी से आपका दिमाग यही होगा कि एक कर लेंगे तो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, देखें असल में चक्कर पता है क्या है, नंबर एक बात भाई, यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट जो है ना वो आपको इंस्टेंट पैसे नहीं दे सकते, पहली बात तो ये समझ लें आप बहुत गौर से। लॉन्ग रन में मैं उसकी डिस्कशन में नहीं पड़ता, ठीक है, तो लॉन्ग रन में यूनिवर्सिटी क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाई छोड़ने कह रहा हूँ, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दें, आप करें भाई आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, और ये भी नहीं कह रहा कि पढ़ाई करें, यूनिवर्सिटी के बारे में ना मैं नो बोलता हूँ ना मैं यस बोलता हूँ, यूनिवर्सिटी आपकी अपनी जिम्मेदारी, आपका अपना मसला है वो। ठीक है, मैं ना आपको बोलूँगा कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ लें ना मैं आपको बोलूँगा यूनिवर्सिटी छोड़ दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन स्टिल इस चीज़ से तो आप एग्री करेंगे कि यूनिवर्सिटी में जो आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं वो इंस्टेंट पैसे बना के आपको नहीं दे सकते। इसमें आप इस काबिल हो गए कि इंस्टेंट, अभी देखें ना वो ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट बनाई है ना आपने, आप जाएँ उसको किसी ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाएं, आपको 5,000 तो दे ही देगा कोई ना कोई ना, अगर वो भी ना दे तो फिर तो क्या ही बात है फिर। और प्लस अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने लगा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें आपको जो है ना यहाँ पे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आइडियली होना चाहिए कि आपने में इर्द गिर्द आप देखें, क्योंकि ज़रा यहाँ पे वो वाला हमारे है ना पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर ऐसा है कि ज़रा मर्द और ख़वातीन जो है ज़रा मतलब थोड़ा सा डरते हैं आपस में कम्युनिकेट में, पता नहीं इस तरह का कोई चक्कर है किसी, अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई बिज़नेस है अगर वो सारे मर्द रन कर रहे हैं तो ख़वातीन ज़रा वहाँ पे जाके अगर इस तरह कोई सेल करनी हो कोई चीज़ तो ज़रा इनके लिए मसला होता है ना, कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई हेयर ड्रेसर की दुकान है आप वहाँ पे जाके अपनी ये वेबसाइट उसको सेल कर दें कि जी ये वेबसाइट है आपको बना दूँ मैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये आपके लिए एक प्रॉब्लम होगा, है ना। अच्छा उसका भी हल बता देता हूँ मैं, उससे भी बेहतरीन आइटम, गूगल मैप आपने खोलना है। गूगल मैप में ना इतने सारे हेयर ड्रेसर और पता नहीं क्या क्या वो सब आ रहे हैं, है ना, सारे आजकल है ना गूगल मैप में, पूरी दुनिया में किसी भी जगह का गूगल मैप आपने खोला वहाँ पे हेयर ड्रेसर भी आ रहा है, वहाँ पे पिज़्ज़ा की शॉप भी आ रही है, वहाँ पे ब्यूटी पार्लर भी आ रहा है। आप जस्ट गो लाइक दिस maps.google.com, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ब्यूटी सलोन या ब्यूटी जो भी, सही है, ब्यूटी पार्लर, ठीक है, जो सजेशन में आ रहा था ये आप देखें ना, लेविश। अच्छा आपने क्या चेक करना है कि क्या इनकी वेबसाइट मौजूद है, यहाँ पे इनकी वेबसाइट मौजूद है, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट आपने खोली, ये इनकी वेबसाइट है इस वक्त, ठीक है, सारे इन्होंने पैकेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ। अच्छा इनकी वेबसाइट मौजूद है, इनको छोड़ दें, अगले पे चले जाएँ, ठीक है, ये क्या आ गया जी, बारबी ब्यूटी पार्लर। अब ये आप देख लें, ये बारबी ब्यूटी पार्लर है, हाँ जाते हो तुम लोग यहाँ, अच्छा कौन कह रहा है कि मैं गया हूँ बाहर, अच्छा प्यारा है, अच्छा अच्छा
अच्छा नहीं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ऐसे ही प्यारे ब्यूटी पार्लर आपने ढूंढने हैं जिनको अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि वेबसाइट भी होती है। अच्छा तो ये देखें आ गया। अच्छा ये इन्होंने वेबसाइट के ऊपर ना facebook.com लिखा हुआ है और ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। आपने जस्ट ये कॉल का बटन दबाना है, ठीक है, और कॉल का बटन दबा के ना आपने इनको बोलना है कि यार ये नंबर आपका क्या व्हाट्सएप पे है, आपको मैंने एक लिंक भेजा है, आप खोल के चेक करें। और जब वो ये लिंक खोले ना तो उसके अंदर उसको बारबी ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ नज़र आए, और एक जस्ट वो नाम चेंज करना है ना यार। आपने जो ये सबमिट करवाया है माशाल्लाह ज़बरदस्त असाइनमेंट, इतना बेहतरीन ये वाला था ना आपका, क्या नाम था ये वाला है, कलर तो बारबी वाला ही है ये, है ना। अच्छा यहाँ पे जस्ट आपने बड़ा सा लिख देना है बारबी ब्यूटी पार्लर, और फिर आपने बोलना है कि यार लिंक चेक करके ना आप मुझे फिर वॉइस करें। मसला हो गया सेट, हल हो गया, जाने का भी मसला ख़त्म हो गया। अच्छा अभी आप शुरू करना है आपने बारबी ब्यूटी पार्लर से, उसके बाद पूरी दुनिया के गूगल मैप ना आपके लिए खुला हुआ, ठीक है, पूरी दुनिया का गूगल मैप आपके लिए खुला हुआ। अच्छा ये यहाँ पर जैसे आपने ये आपने यहाँ सर्च किया हुआ है ना, अभी अब आप आ जाएँ इधर ज़रा। अच्छा ये बाहर आ जाएं अगर आप, अफ़गानिस्तान इतना बड़ा मुल्क है ना, ऊपर से उसके तुर्कमानिस्तान अच्छा खासा बड़ा मुल्क है, उज़्बेकिस्तान, चलते जाएं जॉर्जिया, यूक्रेन, आगे बढ़ गए जर्मनी, यहाँ पे भी तो होते होंगे ना ब्यूटी पार्लर, ठीक है, यूएसए में भी होते होंगे। अब ये यार आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ना, ये जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इस जगह यहाँ पे हम बैठे हैं, ये येलो कलर का जो स्टार बना हुआ है, हम यहाँ हैं, ये येलो स्टार से ये रेड निशान तक जाने में ना, ये जाने में या इन इनका जो सफ़र है यहाँ से, अगर आप 100 की स्पीड में बस में बैठे ना तो 20 घंटे लगते हैं यहाँ तक ट्रैवल करने में, और जहाज़ पे लगते हैं 2 घंटे। ये इतना बड़ा हिस्सा है ये, तो ये हिस्सा आपने अभी एक्सप्लोर करना है, और अल्टीमेटली पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। ये आप देखें ये दोनों डॉट कितने छोटे हो गए, एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए ना पता नहीं 22 घंटे लगते हैं जहाज़ पर, इतनी बड़ी दुनिया है ये, दुनिया कोई छोटी दुनिया नहीं है। दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने में 20-22 घंटे फ्लाइट पे लगते हैं, बस पे नहीं, बस पे तो पता नहीं 2-3 महीने लग जाएंगे। तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से बिजनेसेस हैं जिसको आप यहीं बैठ के रीच कर सकते हैं, जिसको आप यहाँ पे जाके लिखेंगे पिज़्ज़ा शॉप न्यूयॉर्क, एंटर, ये सारी वेबसाइट्स आ गई टॉप पे, ये सारे वो पिज़्ज़ा की शॉप्स आ गई। तो आपने न्यूयॉर्क का ये लोकेशन खोलनी है, वहाँ पे आपने लिखना है पिज़्ज़ा शॉप, वहाँ पे आपने लिखना है हेयर सलोन, उन्होंने भी नंबर लिखा हुआ होगा अपना, उनको नंबर पे फ़ोन लगाएं, बस उनसे ये होगा कि ज़रा बात इंग्लिश में करनी पड़ेगी, और उनको पटाने के लिए ज़रा सा थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मतलब फंक्शनल, कि आप बोल सकें, आप कुछ पूछ सकें, कुछ ऑफ़र दे सकें उसको। तो ये पूरी दुनिया, आज हमारी क्लास को 1 महीना हो गया शुरू हुए हुए, इस 1 महीने की क्लास की पढ़ाई के बाद आपके लिए ये पूरी दुनिया खुल गई है। यूनिवर्सिटी ने तो ये ऐसा कुछ भी नहीं दिया आपको अभी तक, दिया है? अच्छा तो अब मुझे ये बताएं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ज़्यादा है मैं ये वाली ज़्यादा है मैं, अभी तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने में भी बड़ा मसला होता होगा कि यार वो फ़ीस या तो अम्मी देंगी अब्बू देंगे। वंस आपके पास 2-4 गोरा न्यूयॉर्क का आपने फंसा लिया अगर, और उसको आपने उसके पिज़्ज़ा की वेबसाइट बना के दी, जाहिर है वेबसाइट तो चेंज होती है ना हर 2-3 महीने बाद, चेंजेस तो होती हैं, अगर वो 2-3 महीने बाद आपको $100 दे दे चेंजेस करने के कुछ, तो क्या कोई बुरा है? 2-4 आपने ऐसे दुकान पकड़ लिए जहाँ पे से आप $100 आपको आ रहा है, $300-400 महीने के आना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो सरकारी अफसर है ना जो ऐसे यूं करके घूमते हैं कॉलर कि हम तो सरकारी अफसर, उनकी तनख्वाहें आप देखें 30-40 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती उनकी, जो बहुत ही बड़े ना 17-17 ग्रेड के पता नहीं ऑफिसर हैं उनकी भी तनख्वाह 1.5 लाख 1-1.5 लाख होती है। तो 1-1.5 लाख तो कुछ भी नहीं है, पीनट्स हैं वो तो, अगर आप ये वाला काम आप सीख गए तो। तो ये काम आपने क्या करना है, अच्छा ये तो मैंने आगे की स्टोरी बता दी, अब जो चालाक आप में से लड़की होगी वो फ़ौरन पकड़ लेगी इस चीज़ को। अभी तो फ़िलहाल आपको मैंने ये 2 असाइनमेंट्स दिए ना, डाले और ये अपवर्क। अच्छा और जिसने स्लैक वाला नहीं बनाया है कम्प्लीट वो उसको भी ज़रा कम्प्लीट करें। तो ये टोटल 3 चीज़ें आ गई आपके पास, मैंने ये एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ा कि अब हम करें क्या, आपको काम प्रॉपर दे दिया,
अब आपके पास अगर 10 मिनट भी आप ज़ाया कर रहे हैं ना, तो ये आपका कसूर है। आपके पास 10 मिनट भी एक्स्ट्रा हो तो आपने बैठ के ये सोचना है कि ये कैसे होगा। और अभी आप इस तरह से देखें, आपको शायद लग रहा होगा कि यार ये तो पता नहीं इतना मुश्किल सा ये वेबसाइट है, ये बनेगा कैसे, है ना, ये बनेगा कैसे ये। तो ये याद रखें कि अभी आपको ये पढ़ाई करते हुए 1 महीना हुआ है, वो भी 2 क्लास होती है हफ्ते में। अब आप सोचें कि इसी स्पीड से अगर आपने ग्रोथ अपनी जारी रखी, जिस स्पीड से आप अभी चल रहे हैं, इसी स्पीड से आप अपनी अगर ग्रोथ करते रहे, आप तकलीफ़ तो बहुत हुई होगी इस 1 महीने में, दिमाग भी ख़राब हो गया होगा और थकन भी बहुत हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा। अच्छा, मैंने आपको बहुत जलील भी किया खड़ा भी किया, आपको बातें भी सुनाई हैं, लेकिन ये बातें सुन के और ये जलील होके अगर पैसे आना शुरू हो जाए अगर, तो क्या बुरा है कोई, है ना। तो अगर इसी स्पीड से आपने अपनी ग्रोथ को जारी रखा, तो आज से 6 महीने बाद ये वेबसाइट कोई मसला नहीं है आपके लिए। आज से 1 साल बाद आपका इतना हाथ सेट होगा कि आप यूँ हाथ ऐसे करेंगे और वेबसाइट बन के नीचे गिर जाएगी। चलें, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी कल, जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।